आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज से G20 का शुभारंभ हो रहा है और इस बैठक में 141 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं और इस दौरान बैठक में देश की आर्थिक स्थिति के अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा की जाएगी। बता दें, G20 वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित की जा रही है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके उदाहरण UPI और आधार है। डिजिटल पेमेंट का 45% भुगतान सिर्फ भारतीय करते हैं, बल्कि पब्लिक ओन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसे दूसरे देश के डेलीगेट्स को बताया जाएगा। बता दें, साइबर सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा है और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, आज से G20 का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए मयूरी, G20 आज से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। 13 से 15 फरवरी 3 दिवसीय का ये आयोजन है G20 देशों के ग्रुप का। और अभी अभी राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समापन हुई है, जो 10 से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय रहा था। इसके बाद 3 दिवसीय जो है वो G20 ग्रुप ऑफ देशों का ये आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और ये बड़े गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में इसका सम्मेलन भी आयोजित कराया जा रहा है। इस G20 ग्रुप में सबसे अहम बात होगी कि डिजिटल इकोनॉमी जो है उस पर चर्चा होगी, उस पर फोकस रखने की बात होगी। हमने पहले देखा था कि किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी हर कंट्री जो है उसको एक नया प्लेटफॉर्म देकर उसको बढ़ावा दे रहा है, तो डिजिटल इकोनॉमी पे चर्चा हो सकती है और साइबर क्राइम पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार कई देशों से ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है कि साइबर अटैक लगातार हो रहे हैं। जैसे चीन के कुछ हैकर्स ने कुछ वेबसाइटों को हैक कर लिया था, तमाम ऐसी चीज़ें जो है लगातार सामने आ रही हैं। तो इसमें साइबर अटैक की बात होगी, डाटा पॉलिसी की बात इसमें हो सकती है कि ये जो देश है मिलकर किस तरह से डाटा पॉलिसी पे काम करे, और ट्रेड G20 ग्रुपों के जो देश हैं वो आपस में किस प्रकार से ट्रेड को बढ़िया समन्वय करें, ताकि जो इस ग्रुप के जो देश है आपस में व्यापार को बढ़ावा दे, विनिवेश को बढ़ा दे और एक दूसरे का सहयोग भी करे। मयूरी, विवेक, बैठक में 141 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो कुल 500 पुलिस कर्मियों को एक विशेष तरीके से यहाँ पे तैनात किया गया है, जिनकी भाषा अच्छी हो, अंग्रेजी की पकड़ अच्छी हो और जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो। कुल 5 जोन है लखनऊ के, हर जोन से 100-100 पुलिस कर्मियों को जो है तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो मेहमानों को ना होने पाए। इसके अलावा पूरा VVIP ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं होंगी, बाकायदा जो उनके लिए रुकने ठहरने का स्थान है वो सुरक्षा से परिपूर्ण होगा। इसके अलावा अलग से उनको वाईफाई, डेटा सेंटर, तमाम तरह की सुविधाएं जो है G20 जो ग्रुप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो आ रहे हैं उनको मुहैया कराई जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मयूरी, विवेक, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ रूट डायवर्जन किया गया है? देखिए मेरी, ट्रैफिक को लेकर ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसे ग्लोबल इंटर सभी पर हमने देखी थी। हालांकि कुछ जगहों पे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी लचर हुई थी, पहले दिन भी काफ़ी मोहल्लागंज में अगर देखा जाए, पहले दिन ग्लोबल इंटर समिट के पहले दिन नो एंट्री में भारी वाहन घुस गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने ट्रैफिक की व्यवस्थाओं पर काबू पा लिया था। तो उसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था इसमें भी देखने को मिलेगी जैसा ग्लोबल इंटर समिट में हमने देखा था, और ज़्यादा दिक्कतें किसी को यहाँ पे हो ही नहीं थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, किसी भी VIP को नहीं थी, लेकिन ये 20 देशों के जो ये जो ग्रुप है G20, इनके जो तमाम जो है राष्ट्राध्यक्ष जो अलग अलग देशों के आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से VIP ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी, पूरी तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था दी जाएगी, उपलब्धता दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी
बेहतरीन करनी होगी प्रशासन को, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में थोड़ी बहुत लापरवाही देखनी पड़ी थी वो ना देखना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के। उत्तर प्रदेश के लिए निवेश के मेगा शो यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही 93 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था संभव हो पाएगी। बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन किया और साथ ही उन्होंने प्रदेश को मिले निवेश प्रस्तावों और बदले परिवेश का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने में सक्षम और इसके लिए तैयार है और समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव आए हैं। वहीं समिट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें 93 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। आपको बता दें इस समिट में 10 लाख करोड़ के अनुमानित बजट से ज्यादा 32 लाख करोड़ रुपए की निवेश के आसार दिखाई दिए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कल समापन हुआ, 3 दिनों तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चला, क्या कुछ खास रहा? देखिए मयूरी, 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। कल इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसका समापन जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। समापन समारोह में शामिल हुई, अपना उद्बोधन दिया, निवेशकों को अपना उद्बोधन दिया। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो क्या सौगात उत्तर प्रदेश को मिला है, ये अब तक की सबसे बड़ी समिट साबित हुई है देश में। इसके पहले गुजरात की जो समिट थी वो 15 से 16 लाख करोड़ रुपए की निवेश की बात हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा जो है, सबसे ज्यादा निवेश अगर बात करें उत्तर प्रदेश किस राज्य में होगा तो वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल को इस निवेश से फायदा हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों में, इन दोनों उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बुंदेलखंड और पूर्वांचल, यहाँ पे सबसे ज्यादा निवेश की बात हुई है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, पूरे 75 जिलों में निवेश की संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला जो है वो निवेश और रोजगार से अछूता नहीं रहेगा। तमाम बड़े बिजनेसमैन, उद्यमी और कई प्रकार के बड़े उद्योगपति जो है उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, पहले से लेकर आखिरी दिन तक हिस्सा लिया और अपनी अपनी कंपनियों, अपने अपने बिजनेस में जो निवेश की बात करी, चाहे वो कुमार मंगलम मिगड़ा हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, सभी देश और विदेश के सभी बिजनेसमैनों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, निवेश की बात कही और आंकड़े भी बताए कि वो कितना निवेश करेंगे और उससे कितना रोजगार हो सकता है। अगर बात की जाए तो अब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 93 लाख जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां लोगों को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री ने सपना देखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और जो भारत की सरकार ने सपना देखा है, प्रधानमंत्री ने सपना देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की डॉलर का, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा सहयोग करने वाला है इन निवेश के बाद, इन रोजगार के बाद। और चारों क्षेत्र से, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा निवेश वहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश के चारों हिस्से में निवेश और रोजगार की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई है। यहाँ निवेश होगा, रोजगार होगा और सभी 75 जिले जो है वो निवेश और रोजगार से परिपूर्ण होंगे। मयूरी विवेक, ये जो समिट में 33.50 लाख करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव आया है, इससे प्रदेशवासियों के जीवन में क्या कुछ बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो बदली ही बदली। अगर ये निवेश धरातल स्तर पर काम करता है, जिस प्रकार से तैयारियां सरकार ने की हैं, जिस प्रकार से सारी योजनाएं सरकार ने बनी है, अगर उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चेहरा बदलने का ये काम होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश का। इसके अलावा 93 लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देने की बात की गई है।
93 लाख का एक आंकड़ा दिया गया। अगर आंकड़े की बात छोड़ दीजिए, इस निवेश से लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कंपनियां यहाँ आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब उत्तर प्रदेश की बनाने की बात की है, टूरिज्म में विकास करने की बात की है। तो उत्तर प्रदेश में हर एक सेक्टर को जोड़ा गया है, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब हो, चाहे फार्मा का सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज का सेक्टर हो, हर सेक्टर से उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया है और हर सेक्टर को लोगों को कुछ न कुछ उसमें मिलने वाला है। बड़े बड़े उद्योगपति जो अपने अपने सेक्टर में माहिर है वो यहाँ के निवेश कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का चेहरा बदले और इस इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश का चेहरा अब बदलने जा रहा है, ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार से युवक ने दूसरे युवक पर जानलेवा हमला किया है। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए सीएचसी भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। नीमगांव थाना क्षेत्र की बहजा पुलिस चौकी के बहादुरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।